बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं अपने वीवर्स के लिए लंच के लिए या डिनर के लिए इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम बजट में इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी भी बन सकती है। ना ही ये पिज़्ज़ा है, ना किसी किस्म का ऑमलेट है, बहुत ही ज़बरदस्त और मुख्तलिफ सी रेसिपी है। आप सर कैसे मेरी वीडियो को फुल वॉच करेगा ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इसको अच्छी तरह से धो के छील के तो इस तरह से थिक स्लाइसेस में कटिंग करके दोबारा से इसको वॉश कर लेंगे। एक पैन में तकरीबन आधा कप ऑयल लेंगे और जितना पोटैटोस हमने कटिंग करके रखे थे इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आलुओं को फ्राई करना है, लेकिन इस दौरान जो आँच है वो स्लो होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो आलू हैं वो जल जाएंगे। अब यहाँ पर इसके साथ ही 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। आलुओं को कम से कम 3 मिनट के लिए बहुत ही हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमने ज़ीरा ऐड किया है वो भी ना जले और ज़ीरे का जायका भी चेंज ना हो। इस दौरान आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। चलें जी, आलू फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2-2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके साथ ही इसमें 2 अदद टमाटर बारीक कटिंग करके ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच दड़ा मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पर कुक करने के लिए रख देंगे ताकि हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए और आलू भी गल जाएं। अब यहाँ पर उतनी देर में 2 अदद अंडे लिए हैं। तब तक मैं आपको याद करवा दूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है और थोड़ी सी दड़ा मिर्च ऐड करेंगे ताकि जो अंडों का फीकापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, उतनी देर में हमारे आलू भी चेक कर लेते हैं, गल चुके हैं। मोस्टली आलू हमारे गल चुके हैं क्योंकि हमने आलुओं को बहुत ही बारीक से स्लाइसेस में कटिंग किया था। अब यहाँ पर जो एग हमने रेडी करके रखा था आलुओं के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि तमाम आलू अच्छी तरह से कवर हो जाएं और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर कुक कर लेंगे। अब इसके साथ ही हम कसूरी मेथी को हल्का हल्का सा रब करके इसके ऊपर ऐड कर देंगे, इसको दम दे देंगे, 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर देखें, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी हो चुका है। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।